हेलो सत श्री अकाल, दिस इज मानसी युवराज हंस और आज के ब्लॉग में मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बेटर डॉक्टर शिखा दे, लेकिन पहले मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। मैंने परमानेंट मेकअप सीख लिया है, हालांकि उसमें टाइम लगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उसके बाद ही आप उसमें प्रो होते हो। सो अभी जस्ट मैंने फिनिश किया और आज मेरा सर्टिफिकेशन डे है, उसका ब्लॉग भी आएगा, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन फिलहाल के लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल, क्योंकि ये मैं वैसे डॉक्टर शिखा बताए तो ज्यादा बेटर है। प्लीज हाय, दिस इज डॉक्टर शिखा बागी, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाइमलेस एस्थेटिक्स। सो मानसी, पहले तो इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू एज अ स्टूडेंट। थैंक यू, आई लव द वर्किंग विद यू एंड शी इज गोइंग टू बी वंडरफुल, शी हैज अ गुड हैंड, सो आई एम रियली होपिंग टू सी सम रियली वंडरफुल वर्क बाद में। यस ऑफ कोर्स। एंड जिस बारे में मानसी बात कर रहे थे, टाइमलेस एस्थेटिक्स का एक नॉन प्रॉफिट सोशल इनिशिएटिव है, टाइमलेस प्रॉमिस, जिसके अंडर हमने प्लेज की है फ्री ट्रीटमेंट्स एसिड अटैक सर्वाइवर्स को। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके ऊपर एसिड की अटैक की वजह से they've lost what we say is the best of you know their body features to the worst of humanity. एंड उनके लिए हम और कुछ तो कर नहीं सकते, तो हम उनके लिए आईब्राउज एंड लिप्स जिनके जल जाते हैं उनकी वापस रिकंस्ट्रक्शन करते हैं अपना परमानेंट मेकअप टेक्निक से, और ये सारा कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। टाइमलेस प्रॉमिस को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका हुआ है इन यू नो सिंस इट्स इंसेप्शन, एंड तब से वी वर्क विद ऑलमोस्ट 47 सर्वाइवर्स। सो वी हैव गिवन देम बैक देयर आईब्राउज, वी हैव गिवन देम बैक देयर लिप कलर्स, साथ में हम कुछ पी आई पीज करते हैं उनके लिए, कुछ स्कार्स उसके साथ हैंडल हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ अस टू गिव बैक द स्माइल्स यू नो इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड इट जेन्युइनली रियली हेल्प्स। सो दिस इज मोर ऑफ इट्स आई हैव टू से थैंक यू टू यू फॉर स्प्रेडिंग दिस वर्ड, बिकॉज दीज गर्ल्स रियली नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, दे नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। तो जितना भी बेयर मिनिमम भी हम किसी के लिए कुछ कर सके, एंड ट्रस्ट मी मानसी, जितने ऑल ऑफ दीज आई कम अक्रॉस सब स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, मतलब इतना होने के बाद अपने आप को उन फेसेस को देखना वापस मिरर में, उस चीज को एक्सेप्ट करना, वापस उस चीज से उठना, एंड देन कमिंग बैक एंड देन स्माइलिंग ऑल ओवर अगेन। एक्चुअली हमारा एक आईब्रो खराब हो जाता था, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता, एंड आफ्टर ऑल दीस थिंग्स इट्स ट्रेमेंडस द स्ट्रेंथ दैट यू नो दे पोर्ट्रे, इट्स ब्यूटीफुल, एंड आई विश। And you know, also the sad part is कि हमारे legal system की वजह से 10-10, 12-12, 15-15 साल की लड़कियों के cases चलते रहते हैं। There is nobody to help them, there is nobody to do anything. So I understand हम और कुछ तो कर नहीं सकते, हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं with our services we trying to do that. But also I think as a community the least we guys can do is just give them a little support and a little bit of love. जो एक आई थिंक एक सेंसिटिविटी हमारी कम्युनिटी में ना डेवलप होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज टिपिकली दोस गर्ल्स कम एंड टेल मी कि जी लोग ना मूड कर लेते हैं, बच्चों की आंखें बंद कर लेते हैं। हमको देख के बहुत से लोग हैं जो अजीब अजीब बातें बोलते हैं, अजीब चेहरा देख के मुंह घुमा लेते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं होती। रादर आई थिंक वी शुड स्टार्ट टू सेंसिटाइज आवर चिल्ड्रन। The first set of girls that I did work for, I did that in COVID time, and those three girls stayed at my home. So I made sure that my boys sat down. दोनों बच्चों ने समझा उनके साथ क्या हुआ है, because as children उनकी भी questions थे कि मम्मा इनका face ऐसे क्यों है। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि वो दोनों बच्चे समझें कि ये face ऐसा क्यों है, and it is normal to you know it's not something that it is their fault. एंड उस चीज को एक्सेप्ट करना, एंड उसके बाद यू नॉट लाइक टू मेक फ्रेंड्स विद दोस गर्ल्स। आई थिंक दिस इज समथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम इतना बिट भी अपने आसपास एंड अपने बच्चों को एंड अपने घर में सेंसिटाइज कर दें, आई थिंक वी विल बी एबल टू मेक द वर्ल्ड अ मच बेटर प्लेस फॉर दीस पीपल। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, एंड आई विश एंड होप दैट यू नो मोर पीपल कम एंड सपोर्ट, एंड ऑल्सो द अवेयरनेस नीड्स टू बी स्प्रेड टू दीस पीपल दैट यू नो दे हैव समथिंग लाइक दिस at Timeless Aesthetics, जहाँ पे हम ये कर रहे हैं, and whosoever needs help, they just need to connect with us. Working with these girls on their scarred skins was a very, very big challenge for me. This requires a lot of expertise, it requires a lot of experience, because these skins have lost everything. They are paper thin and extremely difficult to work on. But I'm happy and I'm thankful to Almighty that He had His grace over me and I could bring them the best possible results, and I could actually bring their smiles back.
अब तो मैं बहुत मतलब बहुत आगे निकल चुकी हूँ, जिसे मैं अब मैं जॉब करती हूँ, रिहैब सेंटर चलाती हूँ और मैं व्यवस्थक होकर के आ गई। काफ़ी इवेंट करते हैं, फैशन शो करते हैं, तो कोशिश भी मेरी यही है कि मैं लोगों के लिए मिसाल बनूं कि फेस नहीं मायने रखता, फेस है या नहीं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ ऐसे ख़त्म नहीं हो जाती। लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता, बहुत आगे बढ़ना पड़ता। उनको ये कभी ना लगे कि हमने ऐसा किया तो ये जहाँ थी वहीं के वहीं डूबे रह गए, कुछ नहीं कर पाई। आई थिंक आपकी वो स्ट्रेंथ देखना ही किसी के लिए भी बहुत एक इंस्पिरेशन, नहीं तो लोग छोटी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके इतना वो बड़ा बना देते हैं, और आप लोग इतना सब होने के बाद भी इतने स्ट्रांग खड़े हो और हंस रहे हो, खुश हो, आई थिंक इससे बड़ी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं पंजाबी भी दस दिन जिन्हें लोग एसिड अटैक जिन्हों का फेस खराब हो जाता है या डोमेस्टिक वायलेंस कई अलग हो जाता है, उन्होंने इन्होंने फ्री च सर्विस रखी है। और मैं लगता है कि किसी की हेल्प करना असं माड़ा जहाँ किसी दान करके इन्ना व्डा कुछ करते हैं, ये लोग इन्नी वड्डी चीज़ा कर रहे हैं। स्टिल मैं उदा लगता अगर मैं एक परसन भी उस कुछ हेल्प कर सकती तो डेफिनेटली मैं करूँगी। सो यॉग मैं स्पैशली इसलिए बनाया सो दैट ये मैसेज उन्होंने तक पहुँच सके। तुम जे लोग देख रहे हो वीडियो, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करे, शेयर करे, सो दैट अगर किसी चार लोगों को भी हेल्प हो जाएगी ना, सो मुझे ऐसे लगेगा कि एटलीस्ट मैंने कुछ किया है। सो रियली थैंक यू डॉक्टर शिखा। और ये टाइम एस्थेटिक है, टाइमलेस एस्थेटिक्स अमृतसर में, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स के साथ पूरी दे दूँगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।